हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस के यूनिट 4 के एमसीक्यूज। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड यूनिट 1, 2 एंड 3 इन द प्रीवियस वीडियो, सो आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 विच सेज। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू दी। पहली बात तो फिस्कल पॉलिसी के और भी नाम होते हैं, लाइक बजटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट बनाती है ये पॉलिसी। पर्पस क्या होता है फिस्कल पॉलिसी में? दो चीज़ें होती है। गवर्नमेंट हैज़ टू टूल्स बेसिकली। कहाँ से हमारे पास रिसीट्स आएंगी, हमारे पास मतलब गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, एंड कहाँ कहाँ हम उस पैसे को खर्च करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे या स्पेंडिंग करेंगे। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड बोरोइंग्स। गवर्नमेंट ये तीनों काम करती है। टैक्सेशन से पैसा रिसीव करती है, बोरोइंग से पैसा रिसीव करती है, लोगों पे पैसा खर्च करती है। क्या पर्पस क्या है उसका? प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सोशल वेलफेयर है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो भी मॉनेटरी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना, जीडीपी बूस्ट करना। गवर्नमेंट की इंटेंशंस यही है। इकोनॉमी की सारी एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, शेयर मार्केट का प्राइस, बैंक रेट्स नहीं, जीडीपी, बैंक रेट नहीं बोलूंगी मैं, बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो किसकी ड्यूटी होती है? आरबीआई की। मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। फिस्कल पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स नहीं आते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिस्कल पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स नहीं आते हैं, टैक्स आता है, बोरिंग्स आती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू यूजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स ओनली। नहीं, ये फॉल्स है। सिर्फ एसेंशियल गुड्स के लिए नहीं होता, हर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है। कह रहे इट इज़ द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड बोरिंग फॉर रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट्स। क्या गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि अपने सिर्फ फिस्कल डेफिसिट्स को, फिस्कल डेफिसिट्स मीन्स गवर्नमेंट को अपनी बोरिंग्स को कम करना है, सिर्फ यही इंटेंशन है? फिस्कल पॉलिसी की इंटेंशन सेल्फिश नहीं होती। सेल्फिश इन द सेंस गवर्नमेंट अपने पर सेंट्रिक नहीं है, गवर्नमेंट पब्लिक पे फोकस करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करना। सो इस क्वेश्चन का आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ रियल जीडीपी इज कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग, जीडीपी कम हो रही है, विच इंडिकेट्स रिसेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन। कह रहे द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। ओके, सो जीडीपी गिर रही है एंड ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सी, जब जीडीपी डिक्रीज हो रही है, इट इम्प्लाइज वी आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, यू नो, जीडीपी ग्रो नहीं कर रही है, सो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगी नहीं, गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करेगी टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर टू डू मोर वर्क, टू डू मोर बिजनेस। होता क्या है, जब टैक्सेस कम हो जाते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर बूस्ट हो जाता है, वो ज़्यादा काम करेगा। टैक्स, जब इनकम टैक्स कम हो जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, अपने आप जीडीपी बूस्ट हो जाएगी। तो हमें टैक्सेस को करना होता है कम, और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी। सी, रिसेशन का दौर है ना, लोग तो बिजनेस कर नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट मार्केट में पैसा इंजेक्ट करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। सो इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। बी में लिखा है दोनों को डिक्रीज करेगी, नहीं, एक्सपेंसेस को इंक्रीज करेगी, डिक्रीज टैक्सेस एंड इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू अकर व्हेन एन इकोनॉमी इज इन एन एक्सपेंशनरी फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल। सी, ये बिजनेस साइकिल एक्सपेंशनरी फेज वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 5, जिसके मैं एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कह रहे एक्सपेंशन फेज में क्या होता है? देखो, एक्सपेंशन एज द नेम सजेस्ट, जीडीपी इज ग्रोइंग, नेशनल आउटपुट इज ग्रोइंग, फ्लरिशिंग इकोनॉमी है, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होगा, ट्रू। एक्सपेंशन स्टेज है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगा, इन्फ्लेशन राइज होगा, ट्रू, बिकॉज डिमांड बढ़ती जाएगी, गुड्स के प्राइजेस भी बढ़ते जाएंगे। डिफ्लेशन होगा, नहीं, फॉल्स। फॉलोइंग वेज फॉर वर्कर्स, क्या वर्कर्स की वेजेस गिरती रहेंगी? नहीं, फॉल्स। इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू, ट्रू, गवर्नमेंट की कमाई बढ़ेगी बिकॉज एक्सपेंशन है, लोगों के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। फॉलोइंग टैक्स रेवेन्यू, फॉल्स। इन्होंने हमसे पूछा था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बी, सी और एफ। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे ड्यूरिंग रिसेशन गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है सेकंड क्वेश्चन की तरह। गवर्नमेंट को टैक्सेस को कम करना होगा और अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने होंगे। अब देखो, इसमें एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं लेकिन टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि टैक्सेस कम करेंगे ना रिसेशन में और अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे। तो ए ऑप्शन भी नहीं है, सी भी नहीं है, आंसर इज बी, टैक्सेस कम कर दो ताकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, अपने आप डिमांड बढ़ेगी, रिसेशन खत्म हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, इकॉनमी
एक्सपेंशन की तरफ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा अकॉर्डिंग टू केनेजियन इकोनॉमिक्स व्हेन वी हैव इन्फ्लेशन, ओके इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टैक्सेस भी बढ़ाएगी और अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। सो टैक्सेस बढ़ाएगी और अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। आप देख रहे हो इसमें एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है इसलिए फॉल्स है। एग्रीगेट डिमांड हमें कम करना है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट डायरेक्टली कम नहीं कर सकती ना। गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास दो ही काम है, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट मुझे आके नहीं बोल सकती कि आप गुड्स डिमांड मत करो। गवर्नमेंट मेरी डिमांड डायरेक्टली नहीं इन्फ्लुएंस कर सकती, इनडायरेक्टली करेगी। कैसे? टैक्सेस बढ़ा के ऑटोमेटिकली मेरी डिमांड कम हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, केनेजियन इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट फिस्कल पॉलिसी कैन हैव पावरफुल इफेक्ट इन ऑल्टरिंग एग्रीगेट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। मैंने अभी यही बताया, गवर्नमेंट डायरेक्टली मेरी डिमांड इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, लेकिन अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। फिस्कल पॉलिसी में दो चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट के पास दो टूल्स हैं, टैक्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इन दो तरीकों से मेरी एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। टैक्स कम करेगी, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाएगी, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। तो ए पॉइंट तो ट्रू है, बी पढ़ते हैं। कह रहे हैं व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, एंड व्हेन देर इज अ नीड टू ऑफर स्टिमुलस टू डिमांड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ ग्रेट यूज, ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, इसका मतलब पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब, उस वक्त फिस्कल पॉलिसी हमारे काम आ सकती है टू ऑफर स्टिमुलस टू डिमांड। स्टिमुलस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना, एक्सेलरेट करना, चलाना, किसी चीज़ को बूस्ट करना। क्या फिस्कल पॉलिसी? ऑफ कोर्स जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मिल रही है, गवर्नमेंट आके इंटरफेयर कर सकती है और गवर्नमेंट जॉब्स दे सकती है, तो ये भी ट्रू है। सी वेजेस आर फ्लेक्सिबल एंड देयरफॉर बिजनेस फ्लक्चुएशंस वुड बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड। फ्लक्चुएशंस कभी भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होती है। रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। ऑटोमेटिक इकोनॉमी अपने आप एडजस्टमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। टैक्सेस चेंज नहीं तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होती रहेगी। गवर्नमेंट जब तक इंटरवीन नहीं करेगी वो फ्लक्चुएशंस, व्हाट इज फ्लक्चुएशन बेसिकली, टू मच इन्फ्लेशन या टू मच रिसेशन, उसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7th, इसका एक और भी रीज़न है, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मोटिव पर होता है और गवर्नमेंट होती है सोशल वेलफेयर पे। क्वेश्चन नंबर 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग में इंश्योर अ डिक्रीज इन एडी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। कह रहे हैं इन्फ्लेशन के समय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? वही दो बातें पूछी है इन्होंने, टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्फ्लेशन के समय गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना कम कर देगी। सो एक्सपेंडिचर कम कर देगी और टैक्सेस बढ़ा देगी, ट्रू। बी में लिखा है इंक्रीज इन स्पेंडिंग, फॉल्स। सी में डिक्रीज इन स्पेंडिंग बट डिक्रीज इन टैक्सेस, फॉल्स। सो आंसर इज ए, टैक्सेस बढ़ाएगी और एक्सपेंडिचर कम कर देगी। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे रिसेशन में क्या होता है? इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डिक्लाइनिंग प्राइजेस, ट्रू, रिसेशन में प्राइजेस कम होते हैं। राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, फॉल्स, रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, फॉल्स, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों की इनकम कम होती है, ट्रू। राइजिंग इनकम एंड राइजिंग प्राइजेस, फॉल्स। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट के पास दो ही टूल्स हैं, कहाँ से पैसा रिसीव करेंगे। गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है टैक्सेस, कमी हो जाती है तो गवर्नमेंट बोरिंग से भी लेती है। गवर्नमेंट के और भी सोर्सेज होते हैं, बिजनेस से भी गवर्नमेंट कमाती है, रेंट भी आता है गवर्नमेंट के पास, इंटरेस्ट भी आता है, और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्च करेगी, ये दो चीज़ें होती है फिस्कल पॉलिसी में। तो पढ़ते हैं ए में, कह रहे हैं गवर्नमेंट ने टैक्स कट करा है, टैक्स कट करा है ताकि लोगों की इनकम बढ़ जाए। अ रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कह रहे हैं इन्फ्लेशन हो रही थी तो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये सब फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, एक्सपेंडिचर, टैक्सेस। कह रहे गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज करे और एक्सपेंडिचर कम करे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ट्रू। आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये सब फिस्कल पॉलिसी के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इलस्ट्रेट अ रिकॉग्निशन लैक। क्या होता है लैक का मतलब? होता है कोई कमी। बाय द वे मैं बता दूं, आपके इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है ये, लिमिटेशंस ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब गवर्नमेंट उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है, लिमिटेशंस फिस्कल पॉलिसी की। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें एक टॉपिक क्राउडिंग आउट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका एक पहला पॉइंट है लैग, गवर्नमेंट पीछे रह जाती है। रिकॉग्निशन लैग मतलब गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि वी नीड टू चेंज आवर पॉलिसी। गवर्नमेंट को टाइम लगता है ऑब्वियसली, बिकॉज इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उसको जज करने में समझ नहीं आता। हमने बिजनेस साइकिल में भी चीज़ पढ़ी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट फेज कि इकोनॉमी कौन से दौर से गुजर रही है, बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना।
तो टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई दी पॉलिसी, ए ऑप्शन जो लिखा ना टाइम रिक्वायर्ड, इसको बोलते हैं डिसीजन लैक, कि गवर्नमेंट ये नहीं जज कर पा रही कौन सी पॉलिसी अपनाए। रिकॉग्निशन लैक का मतलब होता है गवर्नमेंट को यही नहीं पता चलता कि क्या पॉलिसी की नीड भी है। बी में कह रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई टू पास अ लेजिस्लेशन, लॉ पास करने में टाइम लग रहा है। नहीं, रिकॉग्निशन लैक का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ पॉलिसी चेंज। गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की नीड भी है, रिकोगनाइज करना दैट डज द इकोनॉमी नीड्स गवर्नमेंट एफर्ट्स, इसको बोलते हैं रिकोगनीशन लैक। और फोर्थ में कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द आउटकम ऑफ फिस्कल पॉलिसी। रिकोगनीशन लैक का मतलब ये नहीं है कि फिस्कल पॉलिसी का आउटपुट नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11th, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वुड हैव द इफेक्ट ऑफ। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी, गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए हैं और टैक्सेस कम कर दिए हैं, इससे क्या होगा? हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिया, रोड्स हाईवेज बना रहे हैं, गवर्नमेंट लोगों को जॉब दे रही है, सैलरी दे रही है, उससे हमारी जीडीपी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी कम रखे हैं। अब जब जीडीपी बढ़ती है ना, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रही है? गवर्नमेंट। तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस कम है, बिकॉज गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करने के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरह प्राइस डिसाइड नहीं करती ना, कि जितना बायर डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं प्राइस डिसाइड करती ना, गवर्नमेंट अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करती है। तो प्राइस कम बढ़ता है और जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्राउडिंग आउट। मैंने अभी बताया था आपको, क्राउडिंग आउट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंसेस बढ़ाती है, होता क्या है, अगर बाय चांस गवर्नमेंट बैंक के पास जाके लोन लेती है, देखो बैंक के पास लोन लेने प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, गवर्नमेंट भी आ सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं, गवर्नमेंट आ गई बैंक में लोन लेने। अब वो इतना ज़्यादा लोन की डिमांड बढ़ गई, बैंक के पास प्राइवेट सेक्टर को लोन देने के लिए कुछ खास बचा नहीं, या अगर बचा भी है तो बैंक ने, जैसे ही बैंक के लोन की डिमांड बढ़ी ना, बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। देखो, बैंक इंटरेस्ट रेट कम कब कम करेगा? जब लोन की कोई डिमांड नहीं आएगी। यहाँ तो बहुत डिमांड आ रही है, कौन डिमांड कर रहा है? गवर्नमेंट। अब जब प्राइवेट सेक्टर लोन लेने जा रहा है, बहुत हाई इंटरेस्ट है, हाई इंटरेस्ट देख के प्राइवेट सेक्टर लोन ही नहीं लेता। इसका मतलब मार्केट गेट्स फुल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब इकोनॉमी में जो भी पैसा घूम रहा है वो गवर्नमेंट ने बैंक से बोरो करा, इन्वेस्ट करा और बिजनेस चल। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट मीन्स गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से प्राइवेट सेक्टर हट गया इकोनॉमी से, मतलब जहाँ प्राइवेट सेक्टर का पैसा लग सकता था, बैंक लो इंटरेस्ट रेट कर सकता था, गवर्नमेंट की इंटरवीन करती है। कब इंटरवीन करती है? जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती है। कब करती है? जब रिसेशन हो जाता है, गवर्नमेंट क्या फॉलो करती है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और अगर गवर्नमेंट फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी मार्केट में और हमें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया, अब इन्फ्लेशन आ गई है, तो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, कह रहे हैं डिक्लाइन इन द प्राइवेट स्पेंडिंग मे बी पार्शली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या क्राउडिंग आउट का मतलब ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर कम खर्च कर रहा है? यस। क्यों? अब खर्चा कौन कर रहा है मार्केट में? गवर्नमेंट। सेकेंड कह रहे हैं क्राउडिंग आउट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी व्हेन मनी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट टू द पब्लिक सेक्टर। कह रहे हैं क्या क्राउडिंग आउट एक नेगेटिव इफेक्ट होता है फिस्कल पॉलिसी का? मैंने अभी आपको बताया गवर्नमेंट इंटेंशन तो अच्छी थी फिस्कल पॉलिसी की कि हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे जीडीपी, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। होता क्या है, मनी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट, पैसा प्राइवेट सेक्टर का लगना तो वो साइड हो जाता है, किसका पैसा लग रहा होता है? पब्लिक सेक्टर का। व्हेन स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड बी क्राउडेड आउट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्राउड आउट नहीं हो रही, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं हट रही, कौन हट रहा है? प्राइवेट सेक्टर। कह रहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स दे आर वेरी इंटरेस्ट सेंसिटिव एंड दे विल बी रिड्यूस्ड इफ इंटरेस्ट रेट राइज। मैंने अभी आपको ये बताना क्राउडिंग आउट में होता क्या, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना बंद कर देता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो 1, 2 एंड 4, सो आंसर इज सी। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू शिफ्ट एन इकोनॉमीज एडी कर्व टू द राइट। एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ेगी? एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है? हाउस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। मार्केट में जो भी डिमांड हो रही है, हाउस होल्ड्स अपनी कंजम्पशन पे डिमांड करते हैं, बिजनेस फर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करती हैं, गवर्नमेंट पे डिमांड करते हैं। इंडिया में एक और भी सेक्टर की डिमांड आती है, दैट इज़ फॉरन सेक्टर। फॉरनर्स भी इंडिया के गुड्स को डिमांड करते हैं।
तो इसमें कह रहे हैं एडी हमारी कब बढ़ेगी, जब इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा, ट्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एडी बढ़ जाएगा, टैक्सेस कम होंगे एडी बढ़ जाएगा, बिकॉज टैक्सेस कम होंगे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अ टैक्स कट अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, सी में इन्होंने ए प्लस बी दोनों लिख दिया, तो यस इन सारी केसेस में एडी बढ़ जाएगी। शिफ्ट टू द राइट का मतलब यही है कि एडी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम इट इंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी बिकॉज इट डिस्ट्रीब्यूट्स द बर्डन ऑफ टैक्सेस अनइक्वली। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम होता क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस हमारी इनकम पे लगने वाला टैक्स, और वो है इंडिया में प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि एवरीबडी हैज़ टू पे 10% टैक्स टू द गवर्नमेंट। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग विल बी चार्जिंग यू टैक्स, कि जिसकी पिंक देखो हम सबको ना एक कुछ एक बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है ना, 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, उससे हम 10% टैक्स नहीं ले सकते हैं, उससे हम बहुत ज़्यादा टैक्स लेंगे क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। उसके पास ये टेंडेंसी है कि वो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कॉज कर सकता है। तो क्या प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम एक इनजस्टिस होता है या जस्टिस? इट इज़ एब्सोल्युटली अ जस्ट सिस्टम। इसमें अनइक्वल नहीं होती बर्डन, बर्डन ऑफ टैक्सेस इक्वली होती है, कि आप भी अपने इनकम, आप 10,000 रुपये 1,00,000 रुपये टैक्स दे रहे हो, तो वो 1,00,000 रुपये नहीं देंगे जिसकी इनकम 100 करोड़ रुपये या 10 करोड़ रुपये, हम उनसे टैक्स थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द बर्डन ऑफ टैक्सेस इक्वली, नॉट अनइक्वली। अ केयरफुली प्लान्ड पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम फ्रॉम द रिच टू द पुअर। कह रहे क्या गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है? ये हमने पढ़ा था चैप्टर 7 के यूनिट 1 में। क्या गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है? यस, रिच से लेगी टैक्सेस के फॉर्म में, और किस पे स्पेंड करेगी? पुअर पीपल पे। कह रहे हैं जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी करती है, आर देयर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या लड़ाई हो सकती है, सच दैट अ पॉलिसी डिजाइन टू अचीव वन गोल में एडवर्सली इफेक्ट दिया अनदर। होता है ऐसा, हमने पढ़ा था डेड वेट लॉस, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, सॉरी रिच और पुअर में लड़ाई हो जाती है, बिकॉज रिच कहते हैं आप हम पे इतना क्यों टैक्स लगा रहे हो, पुअर पीपल कहते हैं आप उन पे और ज़्यादा टैक्स लगाओ, हम पे स्पेंड करो, हमारे वक्त को भी कंसिडर करो। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब फिस्कल पॉलिसी होती है, आप कोई एक दुखी रहेगा, दूसरा खुश हो जाएगा। लाइक जिन पे आप टैक्स लगाओगे दे विल बी अपसेट, बट जिनको आप फ्री में दोगे दे विल बी हैप्पी। डी में कह रहे हैं इंक्रीज इन द साइज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन में क्राउड आउट। क्या गवर्नमेंट जब एक्स्ट्रा स्पेंड करती है तो क्राउडिंग आउट होती है प्राइवेट सेक्टर की? जब गवर्नमेंट अपना खर्चे बढ़ा देती है तो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना बंद कर देता है, तो ये भी ट्रू है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें से मुझे क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला कह रहे हैं फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी कब कहलाई जाती है? व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन स्पेंडिंग। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या होगा? अपने एक्सपेंसेस कम कर रही हैं और कमाई ज़्यादा, लोगों से टैक्स ज़्यादा ले रही है बट बदले में स्पेंड कम कर रही है। सो रेवेन्यू इज हायर दैन दी स्पेंडिंग, एब्सोल्युटली ट्रू। कमाई ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिस्कल एक्सपेंशन विल रेज इंटरेस्ट रेट्स एंड क्राउड आउट। जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है तो क्या मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर साइड आउट हो जाता है? बिल्कुल ट्रू। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या गवर्नमेंट न्यू टैक्सेस लेवी करती है? रेट्स ऑफ टैक्सेस आर ऑल्सो रेज्ड। इन्फ्लेशन जब हो रही होती है बहुत ज़्यादा तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फोर्थ में कह रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल मतलब ट्रेडिशनल पुराने इकोनॉमिस्ट, दे एडवोकेटेड, एडवोकेटेड मतलब दे सेड, उन्होंने ये बात बोली कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज अ गुड पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन के समय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए, टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए। एग्जैक्टली, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी करनी चाहिए, बट पुराने इकोनॉमिस्ट ने ऐसा नहीं कहा था। पुराने इकोनॉमिस्ट तो पता क्या कहते थे? वी डोंट इवन नीड गवर्नमेंट, वी ओनली नीड प्राइवेट सेक्टर। ये तो मॉडर्नाइजेशन जब हुई, जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया, तो हमें रियलाइज हुआ नो वी नीड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऑल्सो। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कभी भी फिस्कल पॉलिसी को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा लेट दी मार्केट बी फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेट प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट। सो दिस इज फॉल्स। नाउ द आंसर इज बी, बिकॉज 1, 2, and 3 आर करेक्ट। कह रहे वाइल रिजॉर्टिंग टू एक्सपेंशनरी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है और अपनी टैक्सेस कम कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? बजट सरप्लस होगा, बजट डेफिसिट होगा या बैलेंस्ड बजट? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रही है और टैक्सेस कम कर रही है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट की इनकम कम होगी और खर्चे ज़्यादा होंगे, सो दैट वुड मीन
बजट डेफिसिट, बिकॉज टैक्स कट होगा और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो गवर्नमेंट, मतलब समझो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट को झटका लगता है। एक्चुअली गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब करती, कब है, जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है, तो इकोनॉमी तो ऑलरेडी गिर रही है, तब गवर्नमेंट अपने बजट डेफिसिट बियर करती है, गवर्नमेंट खुद से पैसा लगाती है, भले ही कहीं से बोरो करके लगाए, बट इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम कर देगी और टैक्सेस बढ़ा देगी। एक्सपेंसेस कम करना तो गलत हो गया। इंक्रीज दी डिमांड टू सस्टेन दी इकोनॉमी, इंक्रीज दी डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल थ्रू टैक्स कट, टैक्स कट नहीं करेगी, टैक्स बढ़ाएगी, तो ये भी गलत हो गया। इट इज़ डिजाइंड टू रिस्ट्रेन दी लेवल्स ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशनरी फेज, एब्सोल्युटली ट्रू। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कब करेगी, जब इन्फ्लेशन हो रही होगी और गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना है, गवर्नमेंट को डिमांड कम करनी है, लोगों को गुड्स के प्राइसेस कम करने हैं। इसका आंसर विल बी डी, ना ए होगा, बी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना गवर्नमेंट डायरेक्टली ए डी को अफेक्ट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट तो किस पे इंडल्ज कर सकती है, या तो एक्सपेंसेस में और या टैक्सेस में। 18th, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिड्यूस्ड, एक और भी रीजन है कि इसका आंसर बी क्यों नहीं है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी तब करती है जब इकोनॉमी में एक्सपेंशन चल रही है, एक्सपेंशन, अब उसमें और ए डी बढ़ानी नहीं है, हमें ए डी को कट करना है, इसलिए आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 18th, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिड्यूस्ड, यानी जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम कर देती है, उसको कौन सी पॉलिसी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी, ये तो ट्रू है। गवर्नमेंट ये कर रही है, नहीं, गवर्नमेंट क्या एग्रीगेट डिमांड को लिमिट करने की कोशिश कर रही है, एब्सोल्युटली ट्रू, सो आंसर इज ए एंड सी अबव। एन इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्सेस से क्या होता है, जब गवर्नमेंट हमारी इनकम पर टैक्स बढ़ाती है तो क्या होता है, डज इट रिड्यूस माई डिस्पोजेबल इनकम, येस, इट लीड्स टू फॉल इन दी एग्रीगेट डिमांड, ट्रू है। इट इज़ डिजायरेबल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्या इन्फ्लेशन के समय गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए, येस, बिकॉज प्राइस कंट्रोल करने हैं गुड्स के। कह रहे हैं ये तब करती है गवर्नमेंट जब डेफिशिएंसी होती है डिमांड की, ये फॉल्स हो गया, सो आंसर इज डी, गवर्नमेंट टैक्सेस तब बढ़ाती है जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, और गवर्नमेंट चाहती है पैसा लोगों का हमारे पास आ जाए, बिकॉज जब पीपल आर अर्निंग सो मच, सो गिव इट टू अस, वी विल स्पेंड ऑन पीपल हु आर नॉट एबल टू अर्न दैट मच। क्वेश्चन नंबर 20th, व्हाइल द गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू डेलिबरेट फिस्कल पॉलिसी, इट मे नॉट अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट, कह रहे जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो गवर्नमेंट क्या नहीं करती है, क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है पब्लिक वर्क्स में, ट्रू, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है, पब्लिक वर्क्स मतलब रोड बनाना, हाईवे, रेलवेज बनाना, क्या गवर्नमेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस भी चेंज करती है, ट्रू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चेंज कर सकती, रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, आरबीआई करती है वो काम, या कमर्शियल बैंक्स करते हैं, दे गवर्नमेंट नहीं कर सकती फिस्कल पॉलिसी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। 21st, विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल रेमेडी वुड यू एडवाइज व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग रिसेशन, रिसेशन में हम गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, टैक्सेस और कम कर दो और अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, सो इट विल कट इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को तो गवर्नमेंट टच ही नहीं कर सकती, गवर्नमेंट विल कट टैक्सेस, ट्रू, एंड गवर्नमेंट में फॉलो अ पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट, नो, फॉल्स, इसमें बैलेंस बजट कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है, डेफिसिट बजट होगा ना, सो आंसर इज बी। 22, कह रहे इफ़ द गवर्नमेंट कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर टू बोरो मनी फॉर सिक्योरिंग रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कह रहे गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, एक्सपेंशनरी मतलब गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए हैं, तो गवर्नमेंट बोरो कर रही है मार्केट से, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स विल लाइकली गो अप, ये ना उस टॉपिक का क्वेश्चन है, क्राउडिंग आउट, कह रहे हैं गवर्नमेंट मार्केट से मनी बोरो कर रही है जहाँ से प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता था, अब किसके बीच में कंपटीशन हो गया, देखो बैंक के सामने दो लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी आ रही है लोन लेने, प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है, अब इतनी डिमांड हो रही है, और आपको पता है बैंक विल ऑलवेज प्रेफर गिविंग लोन टू द गवर्नमेंट, बिकॉज पता है पैसा वापस जरूर आएगा, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है बैड डेट्स कर दे, एनपीए हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हो सकता है हमारा लोन रीपे ना करे, गवर्नमेंट तो पक्का कर देगी, तो इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू गो अप, एंड फर्म्स में नॉट बी विलिंग टू इन्वेस्ट, ट्रू, इंडिविजुअल्स में बी रिलक्टेंट टू बोरो एंड स्पेंड, ट्रू, डिजायर्ड इंक्रीज में नॉट बी रियलाइज, प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो जाएगा, ना इन्वेस्ट करेगा, ना खर्च करेगा, और ना ही अपनी डिमांड बढ़ा पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। एंड हेयर वी आर डन विथ ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7 यूनिट 4, इनफैक्ट आज हमारा चैप्टर 7 ओवर होता है, मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 मार्केट चैप्टर के वीडियोस डाल चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल के, एंड टुडे आई एम
फिनिशिंग चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अनदर चैप्टर। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू दी स्टूडेंट्स हैव देयर एग्जाम इन सितंबर, सितंबर अटेम्प्ट है अगर आपका, आपका किसी भी कोई टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।